ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। अरे बाप पिताजी कितना खूबसूरत हार है, कोई गिरवी रख गया क्या? नहीं नहीं, वो मिट्टी के भाव बेच गया, मैंने 20,000 में खरीद लिया। क्या है, मैं इसे पहन लूं? अरे नहीं, इतना कीमती हार क्या पहना जाता है? तो क्या तिजोरी में रखा जाता है? इस हार की कीमत आपके बेटे के गले से ज्यादा है क्या? ओ, तुम समझती क्यों नहीं हो। ठीक है ठीक है, शादी ब्याह के मौके पर पहन लिया कर। लेकिन तेरे ससुराल कभी नहीं ले जाने दूंगा, वैसे भी तेरे पति को यहाँ से निकालने वाला हूँ। क्यों पिताजी क्यों? अरे आ जाने दोस्त, प्यारे के बच्चे को मैं देख लूंगा उसे। मैं आ गया, आपका प्यारा प्यारा प्यारे आ गया। मेरे 1,000 साल की उम्र है। नहीं 1,000 साल की नहीं, सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट की? उसमें भी कंजूसी। अबे खामोश, चल 5 बोरियां बिस्तर अपना, निकल यहाँ से। अरे मगर, अरे मेरी बात तो सुनिए। कोई बात बात नहीं सुनने की, निकल जा यहाँ से, वरना कसम तो जोरी की तुझे धक्के मार मार कर कुएं में फेंकूंगा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुएं में फेंक रहे हैं, पागल हो गए क्या? अरे अरे क्या है, क्या है भाई? अरे हटो जी, बड़े आए कुएं में उठा के फेंकने वाले, पानी भरा लोटा तो उठाया नहीं जाता, मुझे क्या खाक उठा के कुएं फेंकेंगे? हाँ वैसे अगर आप मुझसे इतनी ज्यादा बोर हो चुके हैं तो मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, अभी जाके कुएं में कूद के जान दे देता हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। अबे तुझे टकरा किसने है? देखो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। मैं चला जाऊँगा? तो जाते क्यों नहीं? तुम एक मरता मुझे पकड़ के तो देखो। अच्छा इतना कंजूस आदमी, तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझको गंवा कर आपने 1,000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। 1,000 रुपए का क्या मतलब? छोड़ो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यमराज बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कहते हैं ऐसे ससुर का साथ छोड़ और अंदर आ जा। आ रहा हूँ। बात तो सुन, वो 1,000 रुपए की क्या बात है? तुम्हारा छोड़ो। ये तो मुझे अनिल भैया ने ऑफिस में बुलाया था, मैं गया तो मुझे नौकरी दिलाई, मुझे 1,000 रुपए महीने का मिलने वाला था, मगर अफसोस मेरी बीवी की तरह मेरी नौकरी भी कुंवारी रह गई। अरे अरे अरे, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप होता है। हाँ, मगर वो पाप मैं आपके कहने पर करने जा रहा हूँ, मैं जो करूँगा पाप उसके जिम्मेदार होंगे आप। अरे वो तो मैं ऐसे गुस्से में कह गया था, आओ मेरे कमाऊ दामाद, 1,000 रुपए देने वाले पेड़ को कोई ऐसे थोड़ी काटता है। आजा आजा मेरे दामाद, तेरे गले लग जा। वैसे भी कितना दम होता है, नहीं मरते हुए आदमी को 1,000 रुपए में जिंदगी मिल जाती है, ये याद रखना, ये बात भूलना नहीं। लखपतिया जी, मालिक। ये मालिक, मैंने तो सुना था कि सेठ द्वारका प्रसाद इस कंपनी के मालिक हैं, मैनेजर कौन है? मैं हूँ। तो फिर आपको मालिक क्यों बोल रहे हैं? जी वो इज्जत से मुझे मालिक कहता है। नहीं नहीं, पर इतनी इज्जत नहीं लेनी चाहिए, आपको हजम नहीं होगी, मैनेजर को सेठ की जगह थू थू थू। नहीं नहीं, एक मिनट सुनो, आज से मुझे मैनेजर साहब कहा करो। जी मैनेजर साहब। ठीक है चलेगा, लेकिन ये कौन है? ये मिस्टर प्यारेलाल, आज से तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे। लेकिन मैनेजर साहब, आपको तो मालूम है कि हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत हो या ना हो, इन्हें रखना पड़ेगा, ये अनिल बाबू के बहनोई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है, तो समझ लीजिए रख लिया। हाँ ठीक है रख लिया, आज पे डे है, 10 बज गए हैं, अभी तक तनख्वाह बाकी नहीं, तैयारी कर। जी जी जी। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं आपके हाथ के नीचे हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा तो नीचे नीचे मैं आऊंगा ना। क्या मतलब? मतलब आप पगार देंगे, मैं नोट करूंगा। नोट? नहीं नहीं, वो वाला नोट नहीं लिखना, ये नहीं, ये हिसाब लिखने वाला नोट। हाँ हिसाब, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, हिसाब बरसों से मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही करूंगा। तुम देखो अनिल बाबू के बहनोई हो, यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो। चाय में पी के आया हूँ। अरे तो ठंडा पियो। चाय में पीता नहीं। हाँ तो खाना खा लो। खाने का टाइम हुआ नहीं। अरे यार तो आराम कर लेना। नहीं मैं आराम कर, ये गड़बड़ है। ये ले 400 रुपए। राम खिलावन, ये ले 500 रुपए, अंगूठा लगा। शाबाश रामदीप। कौन है तू? अरे तुम्हें तो अंदर बैठने को कहा था ना। नहीं मैं बैठा तो अंदर ही था, मगर ये बेईमानी का लव चमक मुझे यहाँ खींच के ले आया। तुम लिखते हो 700 रुपए, देते हो 500 रुपए, बाकी के 200 रुपए किधर जाते? क्या बोला? माफ करना। मैं देखा नहीं, आप ही Thank you.
मार। ओ, अब क्या बीच में आते हैं, लगा तो नहीं ना। ठीक है, आप इधर आ जाइए। माफ कर दीजिए, भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई मेरे से। महंगाई का जमाना, इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, और फिर मेरी माँ भी बीमार है और एक जवान बहन उसकी शादी करनी है, बस इस मर्तबा माफ कर दीजिए। छी 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 लखपतिया, हमने तुझ पर भरोसा करके हमने तुझे खजांची के पोस्ट पर रखा। उधर हाँ। और तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता। छी छी, अनिल बाबू इस दफे इस पर तरस खा के से माफ कर दीजिए। चलो माफ कर दिया, लेकिन आज से तुम प्यारे भाई के हाथ के नीचे काम करोगे। और सुनो, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी लास्ट वार्निंग। हो गया जी। तुम मेरे पीछे पीछे काहे के लिए आ रहे हो? वो मैं आपके हाथ के नीचे हूँ ना, जहाँ आपका हाथ जाएगा वहीं मैं जाऊंगा। तुम वहां बैठो, मैं ऑटोमेटिक हाथ ऊपर रख दूंगा। जी जी। चोर रहेगा। और सुनो जी जी, कैश बुक लेकर आओ। जी 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 जी, कैश बुक। सीधे खड़े रहो, ज्यादा दूर मत हिलाओ। है जी? नहीं जी, है। कौन कौन? मैं प्यारे, आपका दामाद। अच्छा अच्छा, मैं समझा, ना जाने कौन है। तनख्वाह मिली? हाँ मिली ना। इधर दिखाओ तो सही, कहा है? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में? अरे पोस्ट ऑफिस में क्या कर रही? वो मेरे पिताजी के पास जा रही है। हा? रहता सोता खाता इस घर में है, और जब पगार मिलती है तो अपने बाप को भेज देता है। अबे ओ लुके पक्के हराम खोर, अब और क्या गाली दूं, मेरी तो गालियां भी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मैं मेरा मुंह धो लूं? अरे मुंह क्या, जिंदगी जीना डोले। हाँ तो मैंने पहले धो लिया। ससुर जी खाना लगा दीजिए, बहुत कष्ट को भूख लगी है। पगार अपने बाप को भेजता है? मेरे घर जमाई, आज तेरे पेट और मुंह की जलाई होगी। चिलाल मिर्ची। अरे मिर्ची। ससुर जी खाना लाइए ना, बहुत भूख लगी है। सबर करो, लाता हूँ। ये ससुर जी, इसमें चटनी नहीं। अरे खारे खारे चटनी की कोई जरूरत नहीं है, चटनी के बिना ही चटनी का मजा आएगा। नहीं, मैं जब तक चटनी न देखूं मेरा निवारा नीचे नहीं जाता है। चटनी लाओ। पानी फेंक देता हूँ। ससुर जी इधर। मजा आ गया। अरे मेरे मुंह का देख रखा ना। नहीं, आप बड़े यहाँ पहले शुरू कीजिए ना। अरे तुम मेरे दावत हो, मेरी मिर्ची के सुहागा। मेरा मतलब है मेरी बेटी के सुहागो, पहले तुम खाओ। तो काम करते हैं ना, हम दोनों साथ में शुरू करते हैं। रेडी, थ्री टू वन, टूट पड़ो। बाजू में जाके मरो या मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, मैं पानी गिरा के आता हूँ, नहीं लेके आता हूँ। अरे जल्दी अरे आप कौन ले? अरे ये क्या कर रहा है? अरे ससुर जी, आप एक बात का फैसला कर लीजिए, आप चाहते क्या हैं? आप उड़ के गिरना चाहते हैं या मुझे मारना चाहते हैं, बोलो तो सही। अरे प्यारे, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खाना खाते खाते ससुर जी के मुंह में अचानक आग लग गई। मैं एक घंटे से फायर ब्रिगेड वालों की तरह इनके मुंह में पानी मार रहा हूँ, मगर इनके शरीर की बिल्डिंग की आग बुझती है। अरे क्या हाल है तू? मैं साबुन लगे पैर की तरह धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरता जा रहा हूँ और तू खुश होती जा रही। अरे भाई, खुशखबरी सुनकर आ रही हूँ इसलिए तो खुश हो रही हूँ। कौन सी खुशखबरी? अरे अपनी पेमा बीमार थी ना, उल्टियाँ कर रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने बोला कि उसके पाँव भारी है। तो क्या वो पाँव में लोहे की पाइप पहनती है? समझते क्यों नहीं है, मैं नानी बनने वाली हूँ और आप नाना। नाना, नाना।
अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इन दोनों को कभी अकेले में मिलने ही नहीं दिया, ये कैसे हो गया? रोज रात को जो आप दूध पिया करते थे ना, उसका ये कमाल है। अरे क्या बात है, मेरे दूध पीने से क्या कर लोगे? ससुर जी मैं बताता हूँ, मैं उस दूध में हर रात है ना घोड़े को सुलाने वाली नींद की गोली मिला देता था। दूध पीते ही आप है ना हेलीकॉप्टर को शर्माने वाले कराटे लेने लग जाते थे और मैं चुपके से खसक जाता था। अबे और आप बोल सत्यनाथ तेरा, अबे और लू का पक्षे, मैं जिसकी नहीं छुड़ी दादी। खबरदार, ये क्यों पागल की तरह मेरे लड़के पर लकड़ी उठा रहा है तू? मैं बताता हूँ पिताजी, आप है ना आप दादा बनने वाले हैं और मैं बाप बनने वाला हूँ, और ये नहीं चाहते कि आप दादा बने। अरे ये कौन रहता है मुझे दादा बनने से रोकने वाला और तुझे बाप बनने से रोकने वाला? लेकिन प्यारे सच सच बता बेटा, तू वाकई बाप बनने वाला है? आपकी कसम। अरे वाह मेरे लाल, क्या खुशखबरी सुनाई है। अरे मैं तो आया था दहेज का फैसला करके अपने बहू और बेटे को साथ में ले जाने के लिए, लेकिन अब मैं अपने पोते को भी साथ में लेकर के जाऊंगा।